एक ही रटा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला उन परिस्थितियों में ठीक बैठा है उनके लिए 14 में 17 में, लेकिन आज की बदली हुई परिस्थितियों में वो फॉर्मूला लोगों को के गले से नहीं उतर रहा जी, क्योंकि आप सरकार में हो। अब आप मुख्य सवालों से बच नहीं सकते जी। जो विकास के मुद्दे हैं, आपने क्या किया, आपसे हिसाब भी लिया जाएगा। उस हिसाब देने से बच के अगर आप कैराना की पलायन की बात करोगे, तालिबानी माइंडसेट की बात करोगे, पाकिस्तान के क्रिकेट गेम में किसने ताली बजाई उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करोगे, ये इश्यूज नहीं जी। तो इसलिए इन परिस्थितियों में जो बीजेपी एक ही मॉडल को जानती है उसी मॉडल का प्रयोग कर रही है, पूरी तरह से कर रही है जी। लेकिन ध्रुवीकरण लाने में जो उनकी ताकत है जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे दल में सभी जाति के लोग हैं, हमारे संगठन में सभी जाति के लोग हैं। चुनाव भी हम जब लड़ाएंगे तो आप हमारे उम्मीदवारों की सूची को देखिएगा तो आपको भी ये एहसास हो जाएगा कि सभी जो जाति में या धर्म के मान्यताओं में जो लोग जुड़े हुए हैं हमने उनको मौका दिया है जी। दूसरी बात ओवैसी जी की, ओवैसी जी मैं उनका सम्मान करता हूँ, MP हैं और अपने पार्टी के लीडर के तौर पर वो पूरे देश में जा रहे हैं एंड वो यूपी में भी आ सकते हैं, कोई ऐसे कोई बंदिश तो है नहीं जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में वोटर बहुत पॉलिटिकल है जी। और यहाँ कई क्षेत्रीय पार्टियाँ भी हैं, पुरानी पार्टियाँ भी हैं, राष्ट्रीय पार्टी भी यहाँ पाँव जमाने में आप देखिए कांग्रेस सफल नहीं रही है जी। बहुत आसान नहीं है कि कोई नई चीज़ निकल के आए, दूसरे राज्य से कोई नेता आ जाए, उसमें कांग्रेस मुख्य लड़ाई में नहीं है। और मैं मानता हूँ कि आज जो लोग त्रस्त हैं, कोरोना काल में जो पीड़ाएं लोगों की थी, सरकार के अनदेखी के कारण जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अभाव हैं, जिनसे जूझ रहे हैं लोग, वे लोग जो नाराज़ हैं वो एक मजबूत विकल्प चाहते हैं जी। और एक प्रोग्रेसिव लीडरशिप को देखना चाहते हैं जी। तो यूपी में कोई राजनीति की बात ना। नहीं, यूपी में तो हर गली में हर बैठक में राजनीति की बात होती है जी। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ कोई संभावना, दो बड़ी बातें होती है जब आप गठबंधन करें। नंबर एक के क्या मुद्दों में आप कितना मेल खाते हैं, क्योंकि अगर लंबा चलना है हमें कोई एक चुनाव को लेकर गठबंधन हम कर भी लें जी, जनता के नज़र में वो सफल नहीं होगा जी। जनता को एहसास होना चाहिए कि दो दल, दो संगठनों का जो गठजोड़ है ये स्थायी है, मजबूत है जी। और जमीनी है कि जब आप टाइप करते हैं तो सीट, कौन सी सीट किस सिंबल पर लड़ी जाएगी। तो जहाँ तक पहला विषय है मेल की बात हम करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इश्यूज़ पे हम समाजवादी के बीच, अखिलेश जी और मेरे बीच बड़े अच्छे रिश्ते भी हैं और बातचीत भी होती है और एक आम एक कॉमन विचारधारा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं जी। सीट शेयरिंग की बात हम लोग अभी जारी रख रहे हैं, सीट शेयरिंग पे ही बात हो रही है जी। तो जैसे ही वो हो जाएगा, उस एस्पिरेशनल नौजवान को जो जिसने बड़ी तस्वीर देखी है, जिसने वो चाहता है कि मुख्यधारा में उसकी गिनती हो, भले ही वो गाँव में पला बढ़ा हो जी, मैं उसकी सोच को राजनीतिक मंचों पे रखता हूँ जी। और इसलिए मैंने क्या कपड़े पहने हैं या मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़ी चीज़ हमने करी है और ये सभी पार्टियों पे हमने दबाव बनाया जी। जितने चुनाव आज तक हुए, चुनाव के जस्ट पूर्व संध्या पे 10-15 दिन पहले मैनिफेस्टो आता है, एक प्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। सभी पार्टियों पे आप देख रहे हैं कि अब लोग चर्चा कर रहे हैं, दूसरे दल के नेता भी जाके कह रहे हैं कि हम ये देंगे हम वो देंगे, एक दबाव बना।